नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th 12th कॉमर्स, एफआई एसवाई टीवाई बीकॉम सीए एंड सीएस। दोस्तों, 12th कॉमर्स में एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, इश्यू ऑफ शेयर्स। और इस चैप्टर के आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर फोर फीचर। ये वर्ड ध्यान रखना दोस्तों, हम क्या चीज स्टडी करने वाले हैं, शेयर फोर फीचर। तो आप सभी लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक ले लें, पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें और मेरे साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को समझना है, जरूरी चीजों को टिक मार्क करना है। देखो, सबसे पहले शेयर फोर फीचर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। फॉर एग्जांपल, भाविन सर है जो कि साहस इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ठीक है, ये अपना है साहस इंस्टीट्यूट। अभी साहस इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल छोटा सा क्लास है, 200 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं क्लास में, ठीक है। अभी आप 200 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, अभी एक स्टूडेंट ऐसा है इसमें से कि जिसने एडमिशन के टाइम पे टोटल फीस है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं टोटल फीस, यहां पे टोटल फीस का मतलब शेयर की प्राइस समझना, ₹100 में टोटल फीस लेता हूं, जिसमें मैंने बोला था कि एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को ₹20 देने हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे ₹30 देने हैं और फिर कॉल के टाइम पे आपको ₹50 पे करना है। अभी इसमें से एक स्टूडेंट है मिस्टर राजू, हाँ वही, फिर हेरा फेरी वाला राजू भाई। तो राजू ने क्या किया, एडमिशन लिया, उस वक्त ₹20 पे कर दिए, बट आगे के ये ₹30 और ₹50 वो पे नहीं कर रहा है। यहां पर भाविन सर बोल रहे हैं, भाई प्लीज तू मेरा पैसा दे दे, तू फीस पे कर दे, तू पढ़ाई कर रहा है, फीस पे कर दे। हाँ सर, आज नहीं है सर, कल दे दूंगा सर, पक्का दे दूंगा सर, अगले महीने पक्का सर, सर मेरी आंखों में सच्चाई देखिए सर, ऐसा बोल के कल परसों अगले हफ्ते ऐसा टालता रहा। अभी यहां पर भाविन सर ने क्या किया, अभी फाइनल वार्निंग, अगले मंडे तक तू फीस पे कर देना। अभी उसके बाद भी उसने फी नहीं की, पे की, तो यहां पर भाविन सर ने क्या किया, उसके एडमिशन को कैंसल कर दिया, भाई चल तेरा एडमिशन खलास, खत्म, निकल पहली फुर्सत में इधर से, कोई जरूरत नहीं है तेरी इधर, और निकाल दिया। तो यहां पर क्या हुआ कि सर ने, यानी कि भाविन सर ने स्टूडेंट के एडमिशन को कैंसल कर दिया, और अभी तक उसने एडमिशन के टाइम पे जो ₹20 पे किए थे ना, वो भी भाविन सर ने क्या किया, ले लिए। ये जो ले लिया ना, उसको हम कहते हैं फोरफिट कर दिया, और ये जो शेयर कैंसल कर दिए ना, उसी को कहते हैं शेयर फोर फीचर। मतलब इसी को अब हम कंपनी के शेयर के एंगल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी है उसके ₹10 की फेस वैल्यू वाला शेयर है, जिसमें कंपनी ने एडमिशन के टाइम पे, यानी के एप्लीकेशन के टाइम पे ₹3 मंगवाए, अलॉटमेंट के टाइम पे ₹3 मंगवाए और कॉल के टाइम पे ₹4 मंगवाए, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो पैसे मंगवाए थे उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, उसके बाद जो पैसे मंगवाते हैं वो अलॉटमेंट, और उसके बाद होता है वो कॉल। यहां पर क्या हुआ था, हमने देखा कि सिर्फ पहले वाला ही पैसा दिया, बाकी के दो पैसे नहीं दिए। यहां पर हम मान लेते हैं कि भाई ये एक फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर है मिस्टर ए, जिन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन के टाइम पे ₹3 दे दिए, अलॉटमेंट के टाइम पर भी ₹3 दे दिए, बट बहुत बार कहने के बावजूद भी ये ₹4 वो शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा है, तो कंपनी फाइनल पनिशमेंट के फॉर्म में, मतलब पहले नोटिस भेजेगी, रिमाइंड करवाएगी, वॉर्न करेगी, वो सब तो करेगी, उसके बावजूद भी पैसे नहीं आते हैं, तो फाइनली एज अ प्यूनिटिव एक्शन, यानी कि पनिशमेंट देने के लिए कंपनी क्या करेगी, मिस्टर ए के शेयर को, ये जो शेयर खरीदे है मिस्टर ए ने, उसको क्या करेगी, कैंसल कर देगी, शेयर को कैंसल कर देंगे। और अभी तक जो पैसे उसने ये ₹6 दे दिए थे ना, ये ₹6 को भी कंपनी ले लेगी, जिसको हम कहते हैं फोरफिट करना। तो जब भी कोई शेयर होल्डर शेयर के ऊपर का कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, तो कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर को कैंसल कर देती है, और उस शेयर पर अभी तक उसने जो भी पैसा दिया था उसको भी अपने पास रख लेती है, और इसको कहते हैं शेयर फोरफिचर। चलिए अभी हम इसके कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझते हैं। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है शेयर फोर फीचर। तो देखो, शेयर्स ऑन विच कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड, मतलब कंपनी ने पैसे तो मंगवाए, कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड,
आर फोरफिटेड बाय दी कंपनी। फोरफिट करना मतलब अपने पास ले लेना, कैंसल कर देना। तो ये जनरल मीनिंग है कि कंपनी जो भी शेयर के ऊपर पैसे रिसीव नहीं होते उसको फोरफिट कर देती है। अभी हम इसका प्रॉपर मीनिंग समझते हैं। तो अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स, देखो क्या कहा है, अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स ऑन विच कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड इज नोन एज शेयर फोरफीचर। यहां पर अमाउंट की बात की है, अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर, फोरफिटेड मतलब अपने पास ले लेना, जो पैसे अभी तक आपने दिए थे उसको मैं फोरफिट कर रहा हूं, मतलब सीज कर रहा हूं, जब्त कर लेना, ठीक है, जब्त कर लेते हैं। ऑन विच कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड इज नोन एज शेयर फोरफीचर। अभी आपको जो याद रखना है ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन, जो कि आप एग्जाम ओरिएंटेड याद रखोगे। तो शेयर फोरफीचर इज अ प्रोसेस, प्रोसेस बाय विच डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी क्या करता है, ये मेन वर्ड है, कैंसल द मेंबरशिप ऑफ शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर की मेंबरशिप को कैंसल कर देगा। रिमूव द नेम ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेंबर्स, ऑब्वियसली के यहां पर मेंबरशिप कैंसल कर दी तो ऑब्वियस है कि उसका नाम भी वो शेयर होल्डर के मेंबर्स के लिस्ट में से क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। ऑन कौन से रीजन की वजह से, नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी एज आस्क बाई दी कंपनी, मतलब कंपनी ने जो कॉल के ऊपर पैसे मंगवाए थे, यहां पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, कंपनी ने यहां पर ये 4 रुपए कॉल के ऊपर मंगवाए थे पर वो पे नहीं किए मिस्टर ए ने, इसकी वजह से कंपनी क्या करेगी, मिस्टर ए का जो नाम है उसको मेंबरशिप रजिस्टर्ड में से कट कर देगी, मतलब उसकी मेंबरशिप कैंसल कर देगी, क्योंकि कॉल के ऊपर कंपनी ने जो पैसा मंगवाया है वो शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा है। इन अकॉर्डेंस विथ स्टेच्यूटरी प्रोसीजर लेड डाउन इन द आर्टिकल ऑफ कंपनी। अब ये काम जो कंपनी करेगी कि चलो मैं मेंबरशिप रजिस्टर में से आपका नाम कैंसिल कर रहा हूं, आपने अभी तक जो पैसे दिए थे वो भी मैं सीज कर रहा हूं, फोरफिट कर रहा हूं, मतलब कंपनी कर रही है। तो ये सारी चीजें जो स्टेच्यूटरी प्रोसीजर है जो कि कंपनी के आर्टिकल में दिया हुआ है उसी के हिसाब से होता है। तो ये पूरी डेफिनेशन ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर लिखनी है, मस्ट रिमेंबर। ठीक है, तो क्या कहा है, देखो, शेयर फोरफीचर इज द प्रोसेस बाय विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी क्या करते हैं, मेन मेन वर्ड, कैंसल द मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द शेयर होल्डर्स लिस्ट ऑफ मेंबर्स। ऑन क्यों, नॉन रिसिप्ट ऑफ द कॉल मनी एज आस्क बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विथ स्टेच्यूटरी प्रोसीजर लेड डाउन इन द आर्टिकल ऑफ कंपनी। यहां पर वीडियो को पॉज करें और कम से कम 3 बार इस डेफिनेशन को बोलिए और नोटबुक में भी 1 या 2 बार इसको लिख दीजिए। चलिए, अभी ये कर दिया, उसके बाद क्या करना है, देखिए यहां पर, तो शेयर फोरफीचर इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन, ये याद रखना, डिसिप्लिनरी एक्शन या प्यूनिटिव एक्शन भी कह सकते हैं, प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट, कि भाई अगर एक को कैंसिल करेंगे ना दूसरे सब लोग सीधे चलेंगे, डिसिप्लिन में चलेंगे कि टाइम टू टाइम पैसा दे दो, वरना क्या होगा, ये शेयर होल्डर पैसे टाइम पे नहीं दे रहा है तो यहां पर दूसरे शेयर होल्डर भी सोचे साला हम भी क्यों पैसा दें, वो भी नहीं देंगे, अभी कंपनी के पास फंड नहीं होगा तो कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, अच्छे से काम नहीं करेगी तो ऑब्वियस है कि कंपनी को नुकसान होगा, उसकी वेल्थ कम होगी, जिसका अल्टीमेट नुकसान सारे के सारे शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो उसकी वजह से पूरी कंपनी को नुकसान उठाना पड़े, उससे बेटर है कि वो एक शेयर होल्डर जो कि पैसे देने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी को हटा दो, तो उसको देख के बाकी के सारे लोग डिसिप्लिन में काम करेंगे। तो इट्स अ डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बाय द डायरेक्टर्स अगेंस्ट द नॉन पेमेंट। एन आर्टिकल ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथोराइज फॉर द फोरफीचर ऑफ शेयर, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फोरफीचर का प्रोसेस होना ही चाहिए, मतलब आर्टिकल के अंदर ये अलाउड किया होना चाहिए कि अगर कोई शेयर होल्डर शेयर पर पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर हम लोग फोरफिट कर सकते हैं, कंपनी के आर्टिकल में, यानी कि AOA, आर्टिकल का मतलब क्या, AOA के अंदर ये फोरफीचर का प्रोविजन होना चाहिए। अगर ना भी हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको पता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आराम से चेंजेस हो सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
प्रोसीजर ऑफ सैर फोर फीचर। ध्यान रखना दोस्तों कि ये प्रोसीजर के जो स्टेप्स है ना आठ, ये आठों के आठ स्टेप आपको सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे। तो पहले पॉइंट को प्रिपेयर करें और आठ पॉइंट के सीक्वेंस को नोटबुक में दो बार लिख दीजिए। पहले तो प्रोसीजर है, स्टेप्स है, सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉलिंग एरियर्स, मतलब जो जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने सैर के ऊपर पैसे नहीं दिए उनका लिस्ट बनाओ, लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। देन प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉलिंग एरियर्स बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको प्रेजेंट करेंगे। पहले में क्या किया, प्रिपेयर किया, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉलिंग एरियर्स, देन प्रेजेंटिंग दिस लिस्ट ऑफ कॉलिंग एरियर्स टू द डायरेक्टर, मतलब कंपनी का सेक्रेटरी पहले ये बनाएगा कि भाई ये देखो इन इन लोगों ने पैसे नहीं दिया है, फिर वो लिस्ट को डायरेक्टर को दिखाएगा, देखो इतने नमूने हैं, बोलो क्या करना है। तो अभी यहां पर क्या होगा, सेंडिंग द रिमाइंडर टू मेंबर्स, मतलब डायरेक्टर क्या बोलेंगे कि भाई इन लोगों को एक आखिरी मौका दे दो, शायद सुधर जाए। तो यहां पर ये जो रिमाइंडर है वो मेंबर्स को भेजा जाएगा। देन फोर्थ सेंडिंग द फाइनल रिमाइंडर, मतलब एक बार रिमाइंडर भेजा उसके बाद एक और बार, अभी फाइनल बोल रहे, पहली बार बोला था आपने लाइटली लिया, अभी फाइनल। चार स्टेप हुए, पहला स्टेप प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉलिंग एरियर्स, सेकंड प्रेजेंटिंग दिस लिस्ट ऑफ कॉलिंग एरियर्स टू द डायरेक्टर, देन थर्ड सेंडिंग द रिमाइंडर टू मेंबर्स, देन फोर्थ सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर, ये दोनों भी आराम से याद रह जाएंगे। उसके बाद भी पैसा नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन ऑफ सैर फोरफीचर, अभी हम लोग इनके सैर फोरफिट करने वाला ऐसा एक रिजोल्यूशन पास कर दीजिए। देन सेंडिंग द नोटिस ऑफ फोरफीचर, अभी मेंबर्स को नोटिस भेज दो कि भाई आपके सैर जाने वाले हैं, हमने डिसाइड कर दिया है। देन पब्लिक नोटिस इश्यू करेंगे, और पब्लिक नोटिस इश्यू कर देंगे मतलब इतने सैर हम लोगों ने कैंसिल कर दिए अभी खत्म, तो मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मतलब जो लोग कैंसिल हो गए उनके नाम रजिस्टर में से हटाते जाएंगे, मतलब एंट्री करेंगे मेंबर के रजिस्टर में। तो आठ पॉइंट कौन कौन से है, सबसे पहला प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल इन एरियर्स, मेरे साथ मन में बोलिए, सिर्फ सुनना नहीं है मन में बोलिए, पहला प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल इन एरियर्स, देन सेकंड प्रेजेंटिंग दिस कॉल इन लिस्ट ऑफ कॉल इन एरियर्स टू द डायरेक्टर्स, फिर थर्ड और फोर्थ ये दोनों कंबाइन में है, सेंडिंग द रिमाइंडर टू द मेंबर्स, देन सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर टू दी मेंबर्स, उसके बाद भी पैसा नहीं आया तो फिफ्थ और सिक्स कनेक्टेड। फिफ्थ क्या करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ सैर फोर फीचर एंड सेंडिंग द नोटिस ऑफ सैर फोर फीचर टू दी मेंबर्स, देन फाइनल पब्लिक नोटिस इश्यू कर देंगे और मेंबर्स के रजिस्टर में एंट्री करेंगे। तो पहले ये आठ पॉइंट को सिक्वेंस में याद रख के दो बार नोटबुक में लिख दीजिए। अभी दोस्तों हम ये हर एक आठों के आठ पॉइंट को इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहां पर क्या लिखना है, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स 11th 12th कॉमर्स में या FY SY TY BCOM या CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरी CS के कोर्स का एक्सलेंट एजुकेशन लेना चाहते हो तो साहस इंस्टीट्यूट ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम ऑफर करता है, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस जिसमें आप कहीं से भी हमारे लाइव लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ रहे हो, और स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई, तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप या आपके दोस्त इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। चलिए पहला पॉइंट क्या था, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल इन एरियर्स, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, द सेक्रेटरी प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ कॉल ऑन सैट्स नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स, कौन सा लिस्ट बनाएंगे, कॉल ऑन सैट्स नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ पे इन स्लिप, जो कि बैंक के पास से मिली होगी, बेसिस ऑफ पे इन स्लिप रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, मतलब सेक्रेटरी क्या करेगा, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट पेड द अमाउंट ऑफ कॉल बेस्ड ऑन पे इन स्लिप रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। आपको क्या याद रखना है, मेन के सेक्रेटरी लिस्ट बनाएगा उन शेयर होल्डर का जिन्होंने कॉल के पैसे नहीं दिए है। देन नेक्स्ट, वंस द लिस्ट ऑफ कॉल इन एरियर्स इज प्रिपेयर्ड देन इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फर्दर डिस्कशन, मतलब जैसे ही सेक्रेटरी ये कॉल इन एरियर्स का लिस्ट बना देगा फिर उस लिस्ट को प्रेजेंट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने फॉर टेकिंग डिसीजन ऑन सैर फोर फीचर, भाई देख लो क्या करना है, सैर फोर फीचर करना है या नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप लोग बताइए। देन थर्ड, सेंडिंग द रिमाइंडर टू मेंबर्स, रिमाइंडर्स आर सेंड टू दोज मेंबर्स हु हैव नॉट पेड कॉल मनी विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, एंड दे आर क्या किया जाएगा,
इंटीमेटेड टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विद इन द टाइम लिमिट नाउ प्रिस्क्राइब्ड। मतलब जिन्होंने, जो भी शेयर होल्डर ने अभी तक एप्लीकेशन के या अलॉटमेंट के या कॉल के, मतलब जो कंपनी ने पैसे मंगवाए वो नहीं दिए है, तो यहां पर उनको रिमाइंडर भेजा जाएगा और उनको इंटीमेट किया जाएगा, इंटीमेट करेंगे कि भाई आपकी जो भी अमाउंट बाकी है वो विथ इंटरेस्ट इतने टाइम पीरियड के अंदर पे कर दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, रिमाइंडर्स आर सेंट टू द मेंबर्स हु हैव नॉट पेड द कॉल मनी विथ इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। उनको यहां पर क्या किया जाएगा, रिमाइंडर भेजा जाएगा और इंडिकेट किया जाएगा या इंटीमेट किया जाएगा कि आप ये पैसा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि लेट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ ये टाइम पीरियड के अंदर पे कर दीजिए। देन फोर्थ, इससे भी हम नहीं सुधरेंगे वाले लोग हैं, तो सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर। देखो, इफ नो रिस्पॉन्स टू फर्स्ट रिमाइंडर इज रिसीव्ड देन फाइनल रिमाइंडर इज सेंड थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट एंड सच मेंबर्स आर इंटीमेटेड टू पे ड्यू अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विथिन, ये याद रखना है, 14 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ फाइनल रिमाइंडर। एमसीक्यू के लिए काम का है कि जिन्होंने अभी जो पहला रिमाइंडर भेजा था उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, उनको एक और रिमाइंडर भेजा जाएगा, फाइनल रिमाइंडर थ्रू स्पीड पोस्ट, और उसके अंदर उनको इंटीमेट किया जाएगा कि भाई आप अपनी बाकी अमाउंट विथ इंटरेस्ट, ये जिस डेट पे आपको रिमाइंडर मिलता है उसके 14 दिनों के अंदर, 14 डेज के अंदर पे कर दीजिए। दे आर ऑल्सो वॉर्न्ड ऑफ फोर फीचर, जिसके अंदर उनको वार्निंग भी दे दी जाएगी कि अगर आप इसको कंसीडर नहीं करते हो, कोई रिप्लाई नहीं देते हो, मतलब आपका पत्ता कट होने वाला है, समझ लीजिए आपको वॉर्न कर दिया हमने, अभी उसके बाद भी हम नहीं सुधरेंगे, ऐसे लोग हैं। तो यहां पर कंपनी क्या करेगी, नेक्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ फोर फीचर, शेयर्स ऑफ दोस मेंबर्स हु डू नॉट पे द अमाउंट ऑफ कॉल विद इन 14 डेज ऑफ आर फोरफिटेड, क्या किया जाएगा, आर फोरफिटेड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब जिनको फाइनल वार्निंग भी भेजी, उसके 14 दिन भी हो गए, क्योंकि 14 दिनों के अंदर पेमेंट करना है, ऐसा आ गया ना, उसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया, तो क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उन लोगों के, वो शेयर होल्डर के शेयर को फोरफिट करने का रिजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा। देन रिजोल्यूशन पास होते ही उन लोगों को बता देंगे मेंबर्स को, भी आप लोगों के तो एल लग गए। देखो, द सेक्रेटरी सेंड्स नोटिस ऑफ द शेयर फोरफीचर ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फोरफीचर इज ऑल्सो एनक्लोज्ड द नोटिस एंड द मेंबर्स आर इंटीमेटेड टू सरेंडर द शेयर सर्टिफिकेट। मतलब इसके अंदर उन लोगों को नोटिस भी दे दी जाएगी और उनको बोल भी दिया जाएगा कि आप सामने से शेयर को सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए मतलब आप सामने से शेयर दे दीजिए वापस, आप नहीं दोगे तो हम यहां से कैंसिल कर देंगे, मतलब आपके तो शेयर जाने ही वाले हैं, बट अगर आप सामने से दे देते हो यानी कि सरेंडर कर देते हो, शेयर होल्डर सामने से अपने शेयर कंपनी को वापस कर देता है, उसके पैसे नहीं मिलेंगे बस, उसके बदले में सिर्फ शेयर वापस कर देता है, क्योंकि वो आगे के इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकता इसलिए। तो यहां पर कंपनी इंडिकेट करेगी कि आप शेयर सरेंडर कर दीजिए, आपकी इमेज अच्छी रहेगी कि भाई देखो मैं पैसा नहीं कर पाता, पे कर पाता था, तो मैंने कंपनी को सामने से शेयर दे दिए। अगर आप नहीं करोगे और हम फोरफिट करने के ऊपर आ गए तो क्या होगा कि आप लोग किसी को पैसे देते ही नहीं हो और उसके ऊपर यानी कि आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी पड़ती है, आपके शेयर हमने कैंसिल किया, हमने आपको बोला गेट आउट, तो भी आप निकले, तो इमेज के लिए सरेंडर कर देना अच्छा रहता है। तो यहां पर कंपनी ये भी शेयर होल्डर को बता देती है। Then last, issuing public notice. The secretary gives a public notice in the newspaper indicating the serial number of share forfeited. मतलब notice दे देंगे newspaper में, भी देखो इतने 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 serial number वाले shares है ना, हमने forfeit कर दिया है, तो market में अगर कोई आपके साथ dealing करने के लिए आता है ये share का, deal मत कर देना, इनके share cancel हो चुके हैं। हालांकि आज के समय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज के समय में तो कंपनी पहले ही सारे पैसे ले लेती है, तो इंस्टॉलमेंट पे पैसे लेना या इंस्टॉलमेंट ना पे करना ये तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। मोस्टली कोई भी कंपनी है, पहले फुल पेमेंट करो तभी आपको शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज अभी ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है। एंड लास्ट, मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस द सेक्रेटरी मेक्स एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर रिगार्डिंग द फोरफीचर एंड द नेम्स ऑफ द मेंबर्स हुज शेयर्स आर फोरफीटेड
उनको क्या कर दिया जाएगा, कैंसल फ्रॉम द लिस्ट, मतलब जो मेंबर का लिस्ट होगा उसमें से वो शेयर होल्डर के नाम को क्या कर दिया जाएगा, कैंसल कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों यहां तक? तो ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक मीनिंग डेफिनेशन एंड प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉट फोर फीचर ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह के बेस्ट एजुकेशन 11, 12th FYSY, TY या CA या CS के लिए लेने के लिए साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें या साहस इंस्टीट्यूट के ये ब्रांचेस में से कहीं पर भी आप विजिट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।